टाइपोग्राफी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, और मैं आपको ये प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर से ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के प्रिंसिपल और फंडामेंटल्स पे काम करना चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए। तो मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि सर हमारे को प्रिंसिपल से बताओ। तो गाइस उनमें से एक प्रिंसिपल है टाइपोग्राफी, और मैं ऐसे ये पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जितने भी फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स हैं वो बताने वाला हूँ। तो आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको टाइपोग्राफी के बारे में बताऊँगा, और मैं इसमें ये नहीं बताऊँगा कि ये सेरिफ फॉन्ट होता है, ये सैंस सेरिफ फॉन्ट होता है। मैं इस वीडियो में आपको टाइपोग्राफी के जो इमोशंस होते हैं, जो एक्चुअल इमोशन है टाइपोग्राफी का, उसके बारे में बताऊँगा। अगर आप इस इमोशन को पहचान जाते हैं टाइपोग्राफी के अंदर, तो आपको अपने डिज़ाइन में कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, किस टाइप की टाइपोग्राफी यूज़ करनी है, वो प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखें, क्योंकि मैं इसमें आपको टाइपोग्राफी के इमोशंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर टाइपोग्राफी को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ है। अब मेरे पास कोई भी आर्ट हो या फिर फोटोग्राफ हो, उसको कन्वर्ट करने के लिए, डिज़ाइन में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को टाइपोग्राफी की ही ज़रूरत होती है। अगर मैंने टाइपोग्राफी यूज़ नहीं करी तो जो मेरा डिज़ाइन है वो एक आर्ट या फिर एक फ़ोटोग्राफी होगा। जैसे कि अब ये मेरे पास यहाँ पे एक ये फ़ोटोग्राफ है, जैसे ही मैं इस पर टाइपोग्राफी या फिर टेक्स्ट का यूज़ करता हूँ तो ये क्या बन जाता है, एक डिज़ाइन बन जाता है, और यही एक ग्राफिक डिज़ाइन है। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे एक और ये इमेज है जो कि मेरे पे यहाँ पे सनग्लासेस की इमेज है, और यहाँ पे एक ये नॉर्मल फोटोग्राफ है। अभी तक ये फोटोग्राफ है, लेकिन जैसे ही मैं इस पे टाइपोग्राफी या फिर टेक्स्ट का यूज़ करता हूँ तो ये मेरा डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही वो एग्जांपल था जो मैं आपको बता रहा था कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर टाइपोग्राफी को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब हम लोग देखते हैं कि टाइपोग्राफी के अंदर कितने टाइप के इमोशंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ये वाइट आर्टबोर्ड ले लिया। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आप जितने भी तरीके की डिज़ाइन बनाते हो, चाहे आप किसी ब्रांड के लिए बनाओ, किसी प्रोडक्ट के लिए बनाओ, चाहे आप सेल्फ बनाओ, तो वो जो आपका डिज़ाइन है वो किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करता है, वो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है। अगर आपको ये पता लग जाए कि आपका ये जो डिज़ाइन है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो आपके लिए टाइपोग्राफी फॉन्ट का सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपको अपने डिज़ाइन की कैटेगरी पता लग जाए कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो आप उसके हिसाब से फॉन्ट या फिर टाइपोग्राफी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने तरीके के हमारे पास कैटेगरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर वन कैटेगरी है वो है स्ट्रॉन्ग। आपका डिज़ाइन इस कैटेगरी में भी फॉल कर सकता है। स्ट्रॉन्ग एक कैटेगरी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जिसमें आपका जो डिज़ाइन है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील देता है, स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। ठीक है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैसेज करने की बात कर रहा हूँ कि आपका जो डिज़ाइन है वो देखने में एक मैसेज जो देगा वो स्ट्रॉन्ग वाला मैसेज देगा। ठीक है, नंबर टू आता है मेरे पास लग्जरी या फिर एलिगेंट। आपको ये भी पता होगा कि इस तरीके के भी कुछ डिज़ाइन होते हैं जो कि देखते ही हमारे को फील आता है कि एक लग्जरी या फिर एलिगेंट डिज़ाइन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉडर्न। ठीक है, ये भी एक कैटेगरी है, और उसके बाद आ जाता है कूल। तो गाइज ये चार ऐसी कैटेगरी हैं जिसके अंदर आपका डिज़ाइन जो है वो फॉल करता है, और इन चारों में से किसी ना किसी कैटेगरी में जो भी आप डिज़ाइन बनाओ वो फॉल करेगा ही। अगर आपको अब ये पता लग जाए कि इन चारों कैटेगरी के अंदर कौन कौन से टाइप के हम लोग फॉन्ट रख सकते हैं, किस टाइप की टाइपोग्राफी कर सकते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सपोज़ अगर आपको ये पता लग जाए कि स्ट्रॉन्ग जो कैटेगरी है उसके अंदर मैं कौन से फॉन्ट रख सकता हूँ, किस टाइप की टाइपोग्राफी कर सकता हूँ, तो आप फ्यूचर में कभी भी जब भी आप कोई भी डिज़ाइन बनाओगे जिसकी अपीलिंग स्ट्रॉन्ग हो, तो आप ईजिली उसमें उस फॉन्ट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे पास स्ट्रॉन्ग है उसमें हम लोग देख लेते हैं कि किस टाइप के हम फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक ही फॉन्ट आता है, सैंस सेरिफ। जब भी आप कोई भी स्ट्रॉन्ग फॉन्ट बनाए, स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन बनाए, तो उसके अंदर आपको सैंस सेरिफ फॉन्ट का यूज़ करना है, ये आपको अपने माइंड में सेट करना है। ठीक है, अभी मैं इसके एग्जाम्पल भी बताऊँगा, और कुछ भी चीज़ बना करके नहीं दिखाऊँगा, जो भी इंटरनेट पर है उससे ही आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ अगर स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन होता है तो उसके अंदर सैंस सेरिफ फॉन्ट ही होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई लग्जरी या एलिगेंट डिज़ाइन है तो उसके अंदर जो फॉन्ट होंगे वो सेरिफ या फिर थिन फॉन्ट होंगे। ठीक है, आप बहुत ही ध्यान से देखें,
अगर आपके पास कोई लग्जरी या फिर एलिगेंट डिज़ाइन है, आप कोई भी लग्जरी या फिर एलिगेंट डिज़ाइन बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो फॉन्ट यूज़ होंगे वो सैरी या फिर थिन फॉन्ट यूज़ होंगे, ठीक है। नंबर थर्ड आ जाता है मॉडर्न, मॉडर्न के अंदर सेंस सेरिफ और मॉडर्न सेंस सेरिफ फॉन्ट यूज़ होंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग में भी सेंस सेरिफ फॉन्ट यूज़ हो रहे थे, मॉडर्न में भी सेंस सेरिफ होंगे, लेकिन मॉडर्न डिज़ाइन के अंदर हम लोग मॉडर्न फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, ठीक है। नंबर फोर आ जाता है कूल, इसके अंदर हमारे पास जो यूज होते हैं वो थे स्क्रिप्ट सेरिफ या फिर मॉडर्न सेरिफ फॉन्ट, ठीक है। इसके अंदर हम लोग तीन टाइप के फॉन्ट यूज कर सकते हैं कूल के अंदर, और जो स्क्रिप्ट है इसके अंदर वो काफी कम पार्ट में यूज किया जाता है, कहीं पे टाइटल में हल्का सा पार्ट दिखाने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, वैसे हम लोग इसमें सेरिफ या फिर मॉडर्न सेरिफ का यूज करते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये पता लग जाए कि आपका डिजाइन किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, अभी तक आपको ये पता नहीं लगता होगा, लेकिन अभी आपको मैं बता दूंगा कि आपको जो भी डिज़ाइन है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, इससे आपको पता लग जाएगा। तो अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाया वो आपका स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में फॉल कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आ रहा है, तो आपको वहाँ पे सिर्फ सेंस सेरिफ फॉन्ट का यूज़ करना है। इसी तरीके से अगर लग्जरी में आ रहा है तो वहाँ पे आपको सेरिफ और थिन फॉन्ट का यूज़ करना है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टाइपोग्राफी का। ये जो आपको यूट्यूब में वीडियोज़ मिलती हैं कि ये सेरिफ फॉन्ट है, ये सेंस सेरिफ फॉन्ट है, इसमें इतनी स्पेसिंग रखो, वो फालतू की बकवास है। अगर आपको ये इमोशन पता लग जाए अपने डिज़ाइन का, तो आप यहाँ से टाइपोग्राफी भी निकाल सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे कलर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका जो प्रिंसिपल है ग्राफिक डिजाइनिंग का, मेन कलर्स, वो भी कंप्लीट कर दूंगा इसी इमोशंस के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्ट्रॉन्ग का एक एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिजाइन क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग डिजाइन का एग्जाम्पल है, सपोज आपके पास कोई ब्रांड है प्रोटीन पाउडर का, जो जिमिंग प्रोटीन पाउडर होता है, अगर वो सेल कर रहा है, आप उसके लिए कोई डिजाइन बना रहे हो, तो जो उसका डिजाइन है वो एक स्ट्रॉन्ग डिजाइन कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें वो फील आ रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। इसी तरीके से अगर आप एक लेदर शूज़ का डिज़ाइन बना रहे हो, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन ही कहलाएगा, वो भी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन की कैटेगरी में ही आएगा। और ये आपको कैसे पता लगेगा, जब आप धीरे काम करते रहेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लगने लग जाएगा कि आपका जो डिज़ाइन है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग में आ रहा है, लग्जरी में आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप किसी ज्वेलरी का ऐड बनाएंगे तो वो एक लग्जरी एलिगेंट में आएगा, ठीक है। इसी तरीके से मॉडर्न डिज़ाइन आ जाता है, मॉडर्न डिज़ाइन में आप स्कूल्स वगैरह के जितने भी डिज़ाइन देखते हैं वो सारे मॉडर्न्स में आ जाते हैं। कूल में आ जाते हैं, कूल एक अलग कैटेगरी आ जाती है। कूल में हम लोग गर्ल्स के प्रोडक्ट्स भी दिखा सकते हैं और भी कूल्स के दिखा सकते हैं, मैं अभी आपको सारे एग्जाम्पल दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग देख लेते हैं। तो जैसे कि अगर मैं गूगल में देखूं, यहां पे प्रोटीन पाउडर का डिज़ाइन देखता हूं, प्रोटीन पाउडर पोस्टर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसमें इमेजेस में डालता हूँ, और मैंने यहाँ पे आपको लिख करके दिखाया था कि यहाँ पे सेंस सेरिफ फॉन्ट का यूज़ होगा। अब आप प्रोटीन पाउडर के जितने भी यहाँ पे देखेंगे डिज़ाइन, तो इसमें सेंस सेरिफ फॉन्ट का ही यूज़ हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसे रैंडम नहीं बोल रहा हूँ, ये इसका एक कॉन्सेप्ट ही है कि आप जब भी कोई भी स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें आपका सेंस सेरिफ फॉन्ट ही यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रोटीन या फिर जिम के जितने भी आप देखेंगे तो उसमें कुछ आपको इस टाइप के सेंस सेरिफ बोल्ड फॉन्ट ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेदर शूज का देखूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का, या ये इस टाइप के, ये सेंस सेरिफ फॉन्ट ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक मेरा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग मेरा डिजाइन हो गया, इसमें हमारे को हमेशा सेंस सेरिफ फॉन्ट का ही यूज करना है। उसके बाद आ जाता है लग्जरी या फिर एलिगेंट। तो लग्जरी में मैंने लिखा है सेरिफ और थिन फॉन्ट। अब मैं ज्वेलरी पोस्टर देखता हूं, ठीक है। तो ज्वेलरी पोस्टर में आप देखेंगे, तो मैं सबसे पहला वाले खोल लेता हूं, तो आपको यहां पे जो फॉन्ट दिखेगा वो मैंने क्या लिखा है, सेरिफ, और यहां पे भी आपको फॉन्ट मिलेगा सेरिफ और थिन, ठीक है। अगर कहीं पे सेरिफ फॉन्ट नहीं है, सेंस सेरिफ फॉन्ट है, तो वो भी आपको थिन ही देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो जितने भी आपके पास लग्जरी ब्रांड हो, जितने भी आपके एलिगेंट डिज़ाइन हो, उसके अंदर आपको सेरिफ और थिन फॉन्ट का ही यूज़ करना है, ये आपको अपने माइंड के अंदर सेट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो आपकी कैटेगरी क्लियर होगी कि आप जब भी स्ट्रॉन्ग फॉन्ट, स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको सेंस सेरिफ फॉन्ट यूज़ करना है, जब भी आप लग्जरी या फिर एलिगेंट डिज़ाइन यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको थिन या फिर सेरिफ फॉन्ट का ही यूज़ करना है, ठीक है। अभी मैं इसके और एग्जांपल देख लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप देखेंगे
सेरिफ फॉन्ट है नॉर्मली, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे अब दिखाता हूँ आपको एक कूल और एक स्ट्रॉन्ग, इन दोनों का एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। इन दोनों में कैसे डिफरेंस पता लगता है। एक सेल चलती है विंटर सेल, ठीक है। अगर आप विंटर को ध्यान से सोचें तो विंटर जो है एक वो कूल मैसेज देता है, ठीक है। एक कूल डिजाइन बनता है विंटर का, ठीक है। अगर मैं समर सेल डालूं तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है, एक स्ट्रॉन्ग डिजाइन बनता है। अब दोनों के डिजाइन में जो टाइपोग्राफी है उनका डिफरेंस देखना आपको। तो अगर मैं गूगल में सर्च करूं यहाँ पे समर सेल, ठीक है, और यहाँ पे मैं इमेजेस देखूं, तो आपको जितने भी फॉन्ट्स मिलेंगे जो मैंने लिखा है सेंस सेरिफ, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे फॉन्ट्स सेंस सेरिफ ही देखने को मिलेंगे, बोल्ड फॉन्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मैं अगर इसमें डालूं विंटर सेल, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको जितने भी हैं सब में ये स्क्रिप्ट टाइप के फॉन्ट देखने को मिलेंगे, हर एक में ये स्क्रिप्ट फॉन्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो जितने भी हमारे ये कूल वाले फॉन्ट होते हैं, कूल वाले डिजाइन होते हैं, इसमें स्क्रिप्ट फॉन्ट का यूज जरूर हुआ होता है, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बताया है ये किसी किसी डिजाइन में चेंज होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अगर बोला है कि यहाँ पे जैसे कि स्ट्रॉन्ग में सेंस सेरिफ फॉन्ट है तो हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग में सेंस सेरिफ ही फॉन्ट यूज करना है। आप सेरिफ भी कर सकते हैं लेकिन बहुत मिनिमल यूज होता है सेंस सेरिफ फॉन्ट का, लेकिन उसमें भी आपको वो एक बोल्ड फॉन्ट ही यूज करना होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं मॉडर्न डिजाइन देखूं, जैसे कि अगर मैं मॉडर्न ग्राफिक डिजाइन देखता हूं, तो यहां पे मैंने लिखा है सेंस सेरिफ मॉडर्न सेंस सेरिफ, ठीक है। तो इसमें आपको जितने भी फॉन्ट्स मिलेंगे वो थोड़े मॉडर्न टाइप के मिलेंगे, अलग किस्म के मिलेंगे। अगर मैं यहां पे स्कूल पोस्टर डिजाइन डालूं तो यहां पे ये कूल टाइप के मॉडर्न टाइप के डिजाइन होते हैं, इसमें आपको यहाँ पे जो मैंने बताया सेंस सेरिफ और मॉडर्न सेंस सेरिफ इन फॉन्ट का कॉम्बिनेशन मिलेगा। या फिर अगर मैं फूड पोस्टर डालूं तो यहाँ पे भी आपको ये थोड़े से अलग किस्म के फॉन्ट देखने को मिलेंगे, मॉडर्न टाइप के फॉन्ट देखने को मिलेंगे इसमें। जैसे कि यहाँ पे कुछ मॉडर्न टाइप का फॉन्ट है, ये कुछ मॉडर्न टाइप के फॉन्ट हैं। तो जितने भी हमारे मॉडर्न डिजाइन होते हैं उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी आप फॉन्ट यूज करें, चाहे वो आप सेरिफ फॉन्ट यूज करें या सेंस सेरिफ फॉन्ट यूज करें, वो थोड़े से जो मॉडर्न फॉन्ट होते हैं जिसमें थोड़ा सा फॉन्ट का स्ट्रक्चर चेंज होता है वो आपको यूज करना है। तो गाइज ये चार ऐसे तरीके थे, अगर आपको ये पता लग जाए कि आपका जो डिजाइन है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो आपकी जो टाइपोग्राफी की जो प्रॉब्लम है कि कौन सा फॉन्ट यूज करें, कौन सा टाइपोग्राफी यूज करें, वो सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। सो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।